तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं माता जी के मंदिर के पास में, और इस रास्ते में छोटे तालाब दिख रहा है, इसमें सिंगाड़ी खेती हो रही है और गुलाब की भी खेती होती है। यहाँ बच्चे गुलाब के फूल तोड़ रहे हैं। कड़ाके की धूप है, टेम्परेचर है 15 डिग्री, और इसमें ये चढ़ी है सीढ़ियाँ। लंबा सफर है, देखिए सब बैठो। धन्यवाद। वहाँ सिंगाड़े की खेती होती है, ये दिखाते हैं आपको। ये देखिए इस खेत में सिंगाड़े की खेती होती है। आसपास में ये क्रेटर झील है और गर्मी है तो
देख सकते हो हमारे पीछे की साइड जो कि ये सीढ़ियां हैं और इनसे उतर के ये बहुत ही ज्यादा ऊंचा ये पर्वत है और इस पर्वत के ऊपर एक माता जी अन्नपूर्णा माता जी का मंदिर है जो कि आप देख सकते हो। ये घना जंगल है, यहाँ पे पेड़ पौधे भी बहुत ज्यादा है और मेरे पीछे की साइड आप देख रहे हो वहाँ पे सिंगाड़े की खेती होती है जो कि एक तालाब है, उस तालाब के अंदर सिंगाड़े की खेती होती है और उसे वहाँ से यहाँ की जो जनजाति है लोग है लोग बाग है वो खेती करते हैं और अपनी आमदनी और आजीविका चलाते हैं। दोस्त फाइनली दोस्तों हम मंदिर के दर्शन करके आ रहे हैं और नीचे की तरफ वापस उतर रहे हैं और जा रहे हैं अपने गांव की तरफ। तो बने रहिए हमारे वीडियो में और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, इसमें आगे भी आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। ये एक बंदर बैठा है पास में, नीचे सीढ़ियों की तरफ उतरे तब बोल आगे क्या जाके दर्शन करके आगे क्या मंदिर में आ रही है फोटो। दोस्तों यहाँ पे जनजाति है से इस मंदिर के बाहर ही खड़े रहते हैं ज्यादातर। ये देखिए मंदिर का गेट है और यहाँ पे दुकानें लगाते हैं, यहाँ मेला लगता है जब इनका तब बहुत ही ज्यादा तादाद में यहाँ भीड़ होती है। और ये देखिए किस प्रकार रहते हैं, टेंट है ऊपर, उस टेंट के नीचे बैठे हैं। दोस्तों यही है रामगढ़ की पहाड़ियाँ जो आप मेरे चारों तरफ देख रहे हो, बहुत ही ऊंचाई पे हैं और ये क्रेटर झील भी है। यहाँ पे उल्का पिंड गिरा था बहुत जमाने पहले, तो यहाँ पे एक झील का निर्माण हुआ जो कि क्रेटर झील के नाम से जानी जाती है। रामगढ़ की पहाड़ियाँ आप देख सकते हो दोस्तों और यहीं पे ये अन्नपूर्णा माता जी का मंदिर है जो कि आगे की तरफ है और यहाँ आसपास में शॉप दुकानें सब है।